क्या जी आपका भी जियोग्राफी कमजोर है क्या? तो आज के बाद कमजोर नहीं होगा। ऐसा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब के इतिहास में कि आपके दिमाग के अंदर जो मेमोरी सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम, उसके अंदर दिमाग के चिप के अंदर अपलोड करने जा रहा हूँ जियोग्राफी एनिमेटेड वीडियो, एनिमेशन वीडियो, जो एनिमेशन के थ्रू इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, पर्वत, नदियाँ, झरना, पहाड़, ये सब सेटअप करने जा रहा हूँ। कहाँ पे? आपके दिमाग के अंदर घुस के, अगर आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे तो। या तैयारी आप किसी का भी करते हैं, रेलवे, SSC, बिहार SSC, दरोगा, चपरासी, खमासी, कुछ हो तैयारी करते हैं, आपका दिमाग में घुस के जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा, मरते दम तक आप घूम नहीं पाएंगे ये ज्योग्राफी का मैप का खमास। और वीडियो अपलोड करेंगे, पहला चैप्टर का नाम है भारत की आकृति और विस्तार को जानेंगे इस वीडियो में। हमारे प्यारा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और हमारे प्यारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व की तुलना किया जाए तो भारत पूरे विश्व में 2.4% का हिस्सा आता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां नंबर पर है। पहला नंबर पर रसिया और दूसरा नंबर पर कनाडा, तीसरा नंबर पर छोटा चाइना और चौथा नंबर पर USA और पांचवा नंबर पर ब्राजील और छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और प्यारा देश भारत 7वां नंबर पर है। जनसंख्या के मामले में हमारा प्यारा देश भारत दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में हमारे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है, मगर 2011 के अनुसार पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे भारत के पास है। पहला नंबर पर छोटा चाइना आता है, दूसरा नंबर पर इंडिया और तीसरा नंबर पर USA। भारत की लोकेशन की बात करें तो हम 0° अक्षांश या भूमध्य रेखा को अगर आधार मानते हैं तो हमारा भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, यानी कहने का मतलब है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर 0° देशांतर के आधार पर माने तो हमारा प्यारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, यानी कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। हमारे भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में पड़ता है और इंदिरा कुंग इसका नाम है, जो कि 37° 6' उत्तरी अक्षांश पर है। भारत की दक्षिणी हिस्सा 8° 4' उत्तरी अक्षांश पर है, जो तमिलनाडु की कन्याकुमारी, और उत्तर से दक्षिण की दूरी को अगर देखें, नॉर्थ और साउथ का अगर बीच का डिस्टेंस देखें तो 3,214 किलोमीटर है। हमारा भारत का जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश है, जिसे हम किबथू के नाम से जानते हैं, और यह बिंदु 97° 25' पूर्वी देशांतर है, और पश्चिमी बिंदु पर 68° 7' पूर्वी देशांतर, जो गुजरात में सर क्रिक के पास है। इन दोनों के बीच की दूरी देखें, यानी पूरब और पश्चिम का डिस्टेंस, तो 2,933 किलोमीटर है। हमारे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा की बात करें, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या तो इसे पिंगमिंगियन पॉइंट भी कहते हैं, जो 6° 4' उत्तरी अक्षांश पर है। सबसे उत्तर में जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। सबसे दक्षिण में देखा जाए तो राज्य तमिलनाडु है, और सबसे पूरब में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में देखा जाए गुजरात है। 37° कर्क रेखा भारत बीचों बीच गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, और छठा पश्चिम बंगाल, और सातवां त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम है। ये सब 8 राज्य जो कर्क रेखा से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा, जिसे हमारा भारत का समय को निर्धारित करती है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 82° पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश है। भारतीय मानक रेखा ये नैनी से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के पास प्रयागराज के नैनी जगह पर है, जो मिर्जापुर यहाँ से नजदीक पड़ता है। आपको मुन्ना भैया का घर याद होगा मिर्जापुर। भारतीय मानक रेखा जो होता है IST और GMT के बीच में 5.5 घंटा का अंतर है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT से ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। एक और मजेदार की फैक्ट की अगर बात करते हैं तो भारत की पूर्वी हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश है, और भारत की जो पश्चिमी हिस्सा गुजरात है,
दोनों के बीच में समय का 2 घंटा का अंतर है। अगर माना कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे अगर सूर्य उगता है तो गुजरात में वही सुबह 7 बजे उगेगा, क्योंकि 2 घंटा का अंतर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है और वो अपने अक्ष पर एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, इसके लिए अंतर होता है। अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य उगा तो भैया पश्चिम में गुजरात में 7 बजे उगेगा। अगर वीडियो आपको एनिमेशन वाला कोर्स आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।